सास गई है मायके तो कैसे बहू ने चुपके से खाया मंचूरियन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग के संग नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो नहा धो के हो चुका हूँ रेडी और जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। तो फिलहाल पहले पूजा कर ली जाए, उसके बाद मिलता हूँ आप लोग। सो गाइस, नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया है और रेडी भी हो गया हूँ जाने के लिए कोर्ट। तो पहले अभी गांव में एक हमारे मंदिर में गांव के भंडारा है, पहले एक चक्कर वहाँ जाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा कोर्ट की तरफ। तो चला जाए बस। तो बढ़िया ऐसी धूप हो रही है, इसका कोई हिसाब नहीं है। इतनी गर्मी हो रही है एक दो दिन से, कल तो पहाड़ों में बारिश भी हुई, यहाँ तो हुई भी नहीं। तो भयंकर धूप हो रही है, एकदम हालत ख़राब हो जा रही है दिन भर। और जाता हूँ आज अपनी बाइक लेके, क्या रखा है इसके ऊपर, बोरा फोरा जाने क्या रखा है, हेलमेट भी निकाल लिया मैंने। तो साफ़ करनी पड़ेगी पहले, इसको साफ़ करने के चक्कर में मैं गंदा हो जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं, फिलहाल बाइक लेके ही, पापा चले गए हैं क्योंकि स्कूटी लेके मंदिर, तो चलते हैं। तो गाइस, निकल गया हूँ कोविड के लिए, पहले कोविड ही वो आते हैं। दिन के बज गए हैं 1 और आ गया हूँ मैं घर, थोड़ा काम था कोर्ट में निपटा के आ। तो अभी बहुत भयंकर गर्मी हो रही है बाहर, तो गर्मी से हालत ख़राब हो गई है। मम्मी बैठी है और यहाँ हमारे प्रांजय बाबू अपनी मम्मी के संग हैं। हेलो गाइस। और यहाँ पर ये देखिए, अनबॉक्सिंग हो चुकी है एक पार्सल की, जिसमें इतने सारे डब्बे आए हैं, किचन के डब्बे मंगाए हैं इतने। किसने मंगाए प्रांजय? तुमने। प्रांजय की माता ने। और ये देखिए, डिज़ाइन भी बनाए इनके ढक्कन में, बढ़िया। इतने सारे डब्बे मंगाए हैं किचन के। तो अभी मैं जाता हूँ मंदिर भंडारे में, तो सुबह तो नहीं जा पाया, अभी जाऊँगा, अब निपटा लिया है काम, अब फुर्सत से अब चलते हैं मंदिर की तरफ। तो चलते हैं गाइस, निकलते हैं गाड़ी लेके अपनी बाइक। ₹20,000 टोकन दे गया है, बिल्कुल ही आया नहीं अभी आजकल कह रहा हूँ। मैं बताता हूँ ना तुम्हें, टोकन देने वाला कौन है मुझे पता है। तो गाइज, खाना चल गया है, तो खाना ले लिया हमने भी। गाइज, दिन के बज गए हैं 3:30, अभी थोड़ी देर पहले आ गया था भंडारे से, और उसके बाद चेंज वेंज करके अभी चौराहे जा रहा हूँ एक चक्कर मंचूरियन लेने। मंचूरियन खाने का मन कर रहा है, भंडारे में भी खाया खाना, फिर भूख लग गई है, तो खा लेते हैं थोड़ा और मंचूरियन, चलते हैं चौराहे। तो गाइस, मंचूरियन का ऑर्डर दे दिया है। तो गाइस, जिसका मंचूरियन था उसको दे दिया है, थोड़ा थोड़ा खा लूँगा मैं भी साइड से। और फिलहाल मैं खाता हूँ अपना आधा खाया हुआ तरबूज, आधा मैंने जाते समय खाया था। खरबूज, हाँ तो खरबूज तरबूज जो भी है, बात तो बूज तो है उसमें पीछे से, आगे से खर है चाहे तर है, चाहे खर हो चाहे तर हो, बूज तो है ही। खाता हूँ अपना तरबूज और अपना तबड़ा रख रखाओ। देखिए गाइस, देखिए गाइस,
इतना बड़ा तरबूज रखा है, मेरे लिए इतना छोटा सा रखा है ये। तो गाइज मंचूरियन आ चुका है और ये कहीं वीडियो ना बना दे करके थाली लेके भाग गई अपनी, इतनी जल्दी दौड़ लगाई इसने थाली लेके जिसका कोई हिसाब नहीं है। तुम भागी क्यों? ऐसे हुई है वो। तुम भागी क्यों? क्या पूछ लो, पापा उठे हैं। गाइस ये देखिए देखिए अकेले अकेले कैसे भस्का रही है मंचूरियन, और मेरे को पूछा भी नहीं, लाया मैं ही हूँ और मेरे से पूछा ही नहीं है। वाह वाह भैया, वाह भैया, वाह। अकेले अकेले थोड़ा थोड़ा चखाते दो, थोड़ा चखाते दो। इतना खाना खा के आए हो, लास्ट तुम्हें पूरा खाओगे तुम ही उसको। अच्छा, अब मेरे को बदनाम करोगे ब्लॉग में क्यों? बदनाम पूरी रिश्तेदारी में ना यही कहना चाह रही थी तो लोग मुझे आजकल ज्ञान दे रहे हैं, जरूरत मुझे पैसों की है। वाह कहाँ से चेपा? कल कुछ किसी ने स्टेटस लगाया था राखी सावंत। राखी सावंत, वाह बड़े अच्छे इंसान का चेपाया तुमने, राखी सावंत। बात तो सही चल रही है ना। अब देखो तुम मंचूरियन खा रही हो, अब चार लोग बात करेंगे उज्जैन मंचूरियन खा रही हो तो वो तो मंचूरियन खाने लग गए। टैग भोक के कानी काटे के नी वो ऊपर बच्चे का पेट खराब हो जाएगा। हो अब क्या होगा? हो तो गाइज मैंने भी ले लिया है थोड़ा, मैं भी खा लेता हूँ अब देख के, मन तो कर ही गया है तो थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर अब टेस्ट मुँह का बदल लेते हैं। तो गाइज खा रहा हूँ मैं खाना और मम्मी गई अभी बच्ची नगर अपने मायके, तो देखे सास गई है मायके तो कैसे बहू ने चुपके से खाया मंचूरियन, कैसे सास के मायके जाने पर बहू खा रही है चावल के संग मंचूरियन बाहर से मंगा के। देखिए गाइस सास के जाते ही बहू ने मंचूरियन मंगा के खाया। क्या पहुँचो गाइस, शाम के बज गए हैं 5 और फिलहाल अभी हूँ बाहर और मौसम थोड़ा सा गुम जैसा हो रहा है, कल भी पहाड़ों में बारिश हुई यहाँ तो नहीं हुई, और अभी फिलहाल आ रहा है नल में पानी तो गाड़ी धो ली जाए, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, कल कहीं जाना भी है तो गाड़ी धो लेता हूँ। तो चलिए शुरुआत की जाए गाड़ी धोने की, बड़ा गर्म भी हो रहा है लेकिन धो लेते हैं, चलो बाहर बाहर ही धोनी। तो गाइस लगा दी यहाँ पर गाड़ी, कर देते हैं सफाई। तो गाइस हो गया गाड़ी का काम भी फिनिश, आधा घंटा लगा गाड़ी की सफाई करने में, तो चमक गई है एकदम से बिल्कुल, थोड़े समय ही चमक जाती है वैसे तो पानी के पानी से ही धो तो। तो फिलहाल थोड़ी देर पंखे में बैठ जाता हूँ, गर्मी हो गई बहुत, मौसम भी धुंध हो रही है बिल्कुल एकदम। तो गाइस शाम के बज गए हैं 7 और अभी मैं जा रहा हूँ रिलायंस। क्या है? मैं भी चल रही। क्यों चल रही हूँ? मैं पीछे लग गई। तो गाइस ये देखिए मैं जा रहा था अकेले रिलायंस और आके इतनी जल्दी तेज रिलायंस के नाम से स्कूटी मार के बैठी जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो क्या मतलब मैं अकेले भी नहीं जा सकता हूँ? नहीं मैं तुम्हारी पूछूं। काहे की पूछूं? ऑफिसर पूछ, पूछूं बड़ा भारी। तो गाइस अब क्या करें, मजबूरी है ले जाना ही पड़ेगा। मजबूरी का नाम होता है बीवी। अब कर रखी है तो अब क्या करें, मजबूरी है, बाकी क्या कहूँ, सब समझ सब समझदारी है, मेरा मैसेज सबके पास पहुँच गया होगा, अब क्या कह सकता हूँ। तो चलते हैं फिलहाल, अब क्या करें मजबूरी। तो गाइस पहुँच गए हैं रिलायंस पिछलग्गू बीवी के साथ, चलते हैं अंदर को। गाइस रात के बज गए हैं 10 और डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, शाम के बाद सीधे अब ये ब्लॉग को कर रहा हूँ एंड। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, और नया ब्लॉग होगा कल का इंटरेस्टिंग, कल हमने जाना है कहीं तो कल का ब्लॉग जरूर देखिए, स्टे ट्यून। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।